नमस्कार आदाब, मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं उम्मीद की किरण। जाहिर है आप लोगों को इंतजार रहा होगा और हमें भी इंतजार रहता है आप लोगों से मिलने का हर शनिवार इतवार को। शनिवार को ये शाम जो है, जिसको हम वाकई में सही मायनों में वीकेंड कह सकते हैं, वो इसलिए भी सुरीली हो जाती है क्योंकि उसमें हमारे यतींद्र भाई होते हैं किसी न किसी खास मेहमान के साथ, किसी शख्सियत के साथ। और ऐसी शख्सियत तो जो उस ना सिर्फ शाम को, बाकी आने वाली न जाने कितनी शामें जो है आगे सुरीली बनाते रहेंगे। तो उसी के लिए जो है यतीन भाई ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी ऐसी शख्सियत के रूबरू आपको ले आया जाए जिन्होंने जिन्होंने ना जाने कितनों की शामें, कितनों की शामें नहीं, कितनी की जिंदगी की शामें सुरीली की हैं। जाहिर है कि उसमें से एक नाम है, एक शख्सियत हमारे साथ है, जशन सिंह साहब। तो वो आज हमारे दरमियान है, उनका तारुफ तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले यतीन भाई अगर जो है हमारे जशन भाई अगर हमें स्क्रीन पर देख आ जाएं तो मैं जो है जी पाजी आदाब नमस्कार यतीन भाई। नमस्कार देखिए नमस्कार ये देख आदाब सभी भाइयों ये को, और देखिए थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन जश्न अदब। यदिन भाई की वजह से ये पॉसिबल हुआ। भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर थैंक यू स्पेशल जशन शो। भाई यहाँ आने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, सब हम ये जो है यतीन भाई गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जशन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही, देखिए लग भी रहा होगा, बहुत खूबसूरत इंसान है, चेहरे से भी दिल से भी खूबसूरत ही हैं, जैसा हमारे दोस्त बताते हैं, यतीन भाई ने बताया, और हमारे एक और दोस्त हैं अजय जैन, वो भी बताते रहते हैं इनके बारे में। तो बड़ा कमाल का जो है ये है, जैसी बाजी जाहिर है कि जिक्र होता रहता है। तो यतीन भाई ने, जाहिर जैसा जशन पाजी ने कहा कि यतीन भाई ने तारुफ किया कराया और हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सके। तो जाहिर है कि जशन पाजी जो है तो सिंगर हैं वैसे तो, सूफी इंडी पॉप, इंडी पॉप मतलब दिल से हिंदुस्तानी, और सूफिज्म का जो है पूरा वो जो एक जो हिंदुस्तानी होता है वो सूफी ऐसे ही होता है। तो बहरहाल फिल्म से जो है रंगीले से प्लेबैक सिंगिंग शुरू की, जो इरोज ने प्रोड्यूस किया था, जाहिर है जिमी शेरगिल और नेहा धूपिया उसके स्टार थे उस वक्त। डेब्यू वीडियो आई याद, टी सीरीज के लिए 15 गाने ट्रैक लगातार किए, और फिर दुश्मन जो महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी उसको, उसमें आपका किरदार एज ए हीरो ये तशरीफ ले आया उसमें, तो वो भी देखने के लिए। फिकरमंद किसान एक वेलफेयर, उसके जो है उसके आप पार्ट हैं, उसके मेंबर हैं, जो आपकी फियांसे रिदम सिंह रंधावा जी हैं वो चलाती हैं, वो भी बहुत, अगर जुड़ सकें इस पूरे उसमें, खूबसूरत एक्टर हैं और जाहिर है कि सिंगर हैं। ये एनजीओ जो भी चलाता है वो जाहिर है दूसरों की मदद कर रख दूसरों की मदद करने का इरादा रखता है, तो वो शख्स ऐसे ही दिल से बहुत खूबसूरत होता है। तो जाहिर है ये पूरा एक बातचीत इतनी खूबसूरत होने वाली है, बातें खूबसूरत होंगी, और हम बहुत कुछ म्यूजिक के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये और गड़बड़ हो जाए, जब तक मैं बोलता रहूंगा तो मैं यहाँ से जो है थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं पीछे जाऊँ और यतीन भाई आगे आए और जशन पाजी आगे आए और सब लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। यतीन पाजी, ओवर टू जी यू भी बहुत आप। धन्यवाद रंजीत भाई। इस जश्न अदब की उम्मीद की किरण का ये 10वां एपिसोड है और पहली बार हम एक बहुत ही यंग आर्टिस्ट को लेकर के आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे यंग, मीता पंडित, उदय भवालकर, सुनंदा शर्मा, तमाम सारे लोग इसमें आ चुके हैं। पहली बार हम लोगों ने थोड़ा फ्लेवर बदला है, थोड़ा इंडी पॉप, थोड़ा सूफी, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा इस तरीके का एक लुक, एक ऐसा फ्लेवर जो हमारे जशन सिंह जी दे रहे हैं। और मैं रंजीत भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से कम शब्दों में उनका बहुत ही खूबसूरत तारुफ कराया। आपका बहुत स्वागत है जशन भाई इस होटल पर, और हम थैंक लोग यू बहुत भाई, खुशनसीब हैं कि आप आ गए। आप अभी पिछले क्वारंटाइन में, जब कोरोना का ये सब चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो पिछले कई महीने कैलिफोर्निया में फंसे हुए थे। लगातार फोन पर बात होती थी और म्यूजिक की बात होती थी, तो ये इनसे वादा रहा था कि आप आएंगे और आज वो मौका आ गया। और जो तारुफ की बात है कि मैंने आपसे कराया, दरअसल मेरा तारुफ मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र अजय जैन जी ने कराया, जो गुलजार साहब के सहयोगी रहे हैं और उनके साथ असिस्ट किया है, संगीत का बहुत सारा काम करते हैं और संगीत की दुनिया के बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। मेरी खुश किस्मती है कि उन्होंने मुझे जशन सिंह से मिलाया। इस मंच पर अगर वो भी कहीं सुन रहे होंगे, मुझे लगता है जरूर सुन रहे होंगे, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जशन भाई, हम बात शुरू करते हैं। ये 1 घंटे का लाइव सेशन है और आप सभी जश्न अदब के लोगों से ये गुजारिश है कि
कि 9:30 तक अपने क्वेश्चंस भेज दें, जिससे कि 9:45 जश्न उसका जवाब देंगे और इस बीच में हम उनकी पूरी यात्रा पर बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडी पॉप में, जिसमें सब कुछ आता है, सुगम संगीत आता है, सूफी आता है और इंडियन वेस्टर्न ढंग का गाना आता है, गीत आते हैं, पंजाबी के छौके की बातें आती हैं, तमाम सारे लाइट म्यूजिक के गाने आते हैं, फिल्म का भी कुछ अंश होता है। आप सुन पा रहे हैं जश्न? थोड़ी आवाज आपकी कम है। आप जिस तरह से एक्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि आप सुन नहीं पा रहे। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है, अब बेटर है जी। तो मैंने कहा कि जो एक इंडी पॉप का मामला है और जिसमें लाइट म्यूजिक है, जिसमें सूफी है, जिसमें तमाम तरह के गाने आते हैं, इस पूरे जॉनर को किस तरीके से आपने इम्बाइब किया, किस तरह से इसमें आप निकल करके आए, आपकी यात्रा कैसे रही, आपके संघर्ष कैसे रहे, मैं जानना चाहूंगा, आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं। सर भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमारे साईं जी बाबा मुराद शाह, दादी शाह, बाबा नानक, हर एक स्टेज को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और शुक्राना करता हूँ कि मुझे ये भी मौका मिला। सो आज जश्न यादव, नाम जश्न यादव है, तो वहाँ पर आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बुला के आप इतना मान दे रहे हैं, बख्श रहे हैं, पाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जश्न अदब देखने वाले सारे हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को और तमाम अलग अलग भाषाओं के लोगों को भी मैं वेलकम करता हूँ, जिया हूँ, आखता हूँ। भाई मैं पढ़ाई करता था, मैं अकाउंट्स लॉ करने गया था बाहर मेलबर्न, जब वहाँ से मेरा असल में मेरा जो गायकी का सफ़र है मेरा वहाँ से शुरू हुआ। तो जब मैं वहाँ गाता रहता था, तो पढ़ता रहता था, तो पढ़ाई मेरी बहुत सख्त थी, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो असल में बेसिकली तो एक जीन्स में है, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मेरे फादर हैं लेजेंडरी, लिविंग लेजेंड सरदार हरदीप सिंह, उनके अभी 40th ईयर है उनका इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगर, एज एन एक्टर। उनने पहले उनका भी एक दौर रहा, अभी भी उनका अच्छा खासा है। तो जीन्स में मेरे गुरु, अगर मैं सबसे पहले उनका नाम लेता हूँ, तो जीन्स में तो था। तो जब कंपोजिशंस बनती थी, जब घर में एक माहौल मुझे ऐसा मिला जब कि लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, ऊपर नीचे, हमेशा एक सिंगर्स एक्टर्स का एक माहौल दिया गया, तो मुझे असल में जिंदगी में मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का मुझे चांस ही नहीं मिला। सो ये मैं बहुत शुक्र हूँ भगवान का कि पहली बात तो ये घर से ही है। मेरे फादर फोक गाते थे, फोक गायकी, पंजाबी गायकी से ताल्लुकात रखते हैं। तो उसके बाद चीज़ें शुरू हुई, लेकिन मैं जब ये एक चेंज आया म्यूज़िक में, है ना, जब सोनू निगम जी आए, जब मैं बोलूँगा कि नुसरत साहब को मैं छोटे होते बहुत सुनता था, तो वो एक चेंज था मेरे लिए तब उन दिनों में। तो उन दिनों में मुझे ये बोला गया कि ये सूफी पॉप के रंग में ये चीज़ पेश की जाती है, और तो वहाँ से ये असल में सुनते 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 जब मैं पढ़ाई करने गया, तो तब मेरा असल, आप बोलोगे कि एक मुझे मेरे जो साथ वाले दोस्त थे, यार थे मेरे, उन्होंने मेरे को बोला कि यार, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था, साथ साथ मैं गाता रहता था, कुछ ना कुछ बैठे बैठे लिखते रहना और गुनगुनाते रहना कुछ। तो मेलबर्न शहर की बात है ये, 2005 से जब मैं गया पढ़ाई करने, तो करते कराते वो एक बड़ा मज़ेदार सफ़र शुरू हुआ भाई। तो एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ मैं, तब भी है ना, बीच में एक गाने बजाने का हो रहा है, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, कहीं मैं कहीं भी जा रहा हूँ, इट वॉज ऑल अबाउट कि तुम, उन्होंने देखा, उन्होंने गोरों ने देखा कि एक, फिर गोरे दोस्त बने, चीज़ें बनी, तो फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो 24 घंटे ये तो गाता ही रहता है ना, तो पाकिस्तानी दोस्त बने, इंडियन दोस्त बने, गोरे बने, तो फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कलाकार आने शुरू हुए मेलबर्न में, जैसे बहुत सारे बॉलीवुड से और पंजाबी इंडस्ट्री से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, फिर उन्होंने दे स्टार्ट कॉलिंग माई फादर कि आप बच्चे का यहाँ टाइम खराब करा रहे हो,
यू नो ठीक ठाक दिखता है, गाता भी ठीक ठाक है, आप इसको बॉम्बे भेजिए। तो ऐसे चीजें शुरू हुई भाई। तो मेरा एक मॉडर्न म्यूजिक से मेरा एक बड़ा प्यार है, ट्रेडिशनल गाने मैं सुनना पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा होता है कि अगर आप मेरे को कोई ट्रेडिशनल गाना उठा के दे दो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिटार विटार उसमें डाल के उसको एक नया रंग देने की कोशिश करूँ। तो वैसे एक सूफियाना एक अंदर से सोल सूफी है, क्योंकि साढ़े मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने उनकी वजह से मैं गुरबानी से जुड़ पाया और पाठ पूजा का माहौल एक घर से मिला, तो अंदर से सूफी हो गया मैं। करते कराते सूफिज्म का एक माहौल मिला, फिर वो करते करते लेकिन म्यूजिक का जो टेस्ट है वो मेरा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक सेट पैटर्न है, वो एक साल पॉप हो जाता है, एक साल वो हिंदी में चेंज हो जाता है, फिर सूफी में आ जाता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आई मीन आई लाइक दैट वेरिएशन कमिंग इनटू माय लाइफ विद विद द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। तो ऐसे पाजी चीजें आनी शुरू हुई और अब आपके अब आप मिल गए तो फिर कहते हैं वो सोने पे सुहागे वाली बात। नहीं नहीं, आपकी जरा नवाजी है। मैं इसी बात पर आने वाला था कि एक सूफी सिंगिंग में रहने वाला आदमी, क्लाइट म्यूजिक में रहने वाला, और अगर पंजाब की धरती से है तो वहाँ गुरुबानी और जपू जी साहेब ये सारी चीजें जरूर होंगी। मैं चाहूंगा कि जब आपने गुरुबानी वगैरह सुनना शुरू किया और जाते रहे होंगे अरदास में सब जगह, कोई ऐसे बंदिश से, कोई ऐसे पद से अपनी बात शुरू करिए कि मैं गुरबानी की ही आप जी जरूर मैं गुरबानी की ही आपको तो सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई। कोई दर्शक देखने वाले का अगर कोई गलती हो तो माफ। सुन पा रहे हैं जी? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सार। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु ने स्तार। हो आया दूर चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सौपे दुख गवाए जियो। ओ बलि अल्लाह नूर ही उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन पले को मंदे, आबुनी सयोरल देवो नी बधाई, नी आबुनी सयोरल देवो नी बधाई, नी मैं पर पाया राजन माही, नी मैं वर पाया राजन माही। अज तारोज मुबारक चढ़िया, राजा साडे वेड़े बड़िया। अज तारोज मुबारक चढ़िया, राजा साडे वेड़े बड़िया। हथ खूंडी मोडे कंबल तरिया, चाका वाली शक्ल बनाई, नी मैं वर पाया हो राजन माही। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया और बहुत ही सुंदर बात की। इतनी सुंदर आवाज है आपकी। एक एक बहुत ही मामूली सा प्रश्न है, हो सकता है जवाब उसका कुछ आप अपने ढंग से देंगे। जितने लोगों को मैं जानता हूं और खास करके शास्त्रीय संगीत के लोग, फोक म्यूजिक के लोग, बहुत लंबा रियाज करते हैं, तानपुरे लेके जुटे रहते हैं, खर्च भरते रहते हैं, घंटों के हिसाब से रियाज करते हैं। बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर, सता जी ने मुझे बताया कि वो आज भी
कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अगर उनको समय होता है तो रियाज करती हैं 90 साल की इंडी पॉप के लोग, शब्द गाने वाले, फोक म्यूजिक में और बिल्कुल जो एक सुगम संगीत है, जो लाइट म्यूजिक है, उसको करते हुए और अपने स्टेज शोज करते हुए, अपने ट्रैक रिकॉर्ड करते हुए कि अपने जो आपके ट्रैक्स हैं बनाते हुए, म्यूजिक करते हुए, रोज की औसत रियाज का समय क्या होता है, कितना रियाज करते हैं और किस तरह का होता है, क्या वो क्लासिकल से डिफरेंट होता है? पर ये रियाज देखिए, मुझे ये समझाया गया बचपन से, जो मैंने सीखा है, रियाज समझने का भी अपनी अपनी हर बंदे की एक वेवलेंथ होती है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आप रियाज को कुछ और समझेंगे, नुसरत फतेह अली खान साहब ने रियाज को कुछ और समझा था, मैं और बड़े बड़े तिजों का नाम ले सकता हूँ सब सिंगर्स की विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे लिए रियाज ये है कि जब अंदर से आवाज आए आप गाने का रियाज कीजिए, क्योंकि असल में हमारा एक जो दुनिया है वो एक कमर्शियल दुनिया है, तो जो हमारा सुबह का जो रियाज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम नीचे के सुरों में जाके हम एक साधना करते हैं सुर की, वो एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जितना गुरुओं को, जितना आप गुरु ज्ञानियों को सुनेंगे, जो आप उनको सुन सुन के वेरिएशंस आप समझते हैं, आप सीखते हैं, मेरे लिए वो रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे राहत अली खान साहब हो गए, नुसरत साहब हो गए, और बॉलीवुड के तमाम नाम हैं वो हो गए, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है बाजी। सुने बगैर आप, यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन असल जो दुनिया है उनसे आप कनेक्टेड रहें वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और जितना आप सुनेंगे गुरुओं को आप उतना पॉलिश होते जाएंगे, मैं समझता हूँ। और जब आपका जो माहौल है वो एक संगीत वाला होना चाहिए, आपका जो 24 घंटे का आप जो देखें टीवी पे वो संगीत होना चाहिए, वो भी मेरे लिए रियाज है। तो रियाज के अपने अपने मायने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गुरु सामने बैठे हैं और आप सीख रहे हैं सिर्फ वो रियाज है, वो सिर्फ वो रियाज नहीं है। रियाज आप गाने का कितना रियाज करते हो वो आपका स्टेज के ऊपर पता लगेगा, आप गाने का कितना रियाज करते हो वो आपका, जैसे अभी मैं आप बैठे हैं, आपने एकदम से बोला कुछ ये सुनाइए, तो पाजी ये रियाज का पता चलेगा कि आप, मैं अभी इस बंदिश को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस करके, लेकिन रियाज मेरे लिए ये है कि अगर आपने मेरे को कुछ गाने को बोला, मैं वहाँ हरकत लगाऊँ, वहाँ वेरिएशन दूँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। सर मैं, अगर मैं ज़्यादा क्लासिकल हो गया एक नॉर्मल बात कहने में, तो आपको वो बात समझ ही नहीं आएगी। तो आपको एज एन ऑडियंस या जश्न अदब देखने वाले तमाम दर्शकों को वो बात समझ आनी चाहिए, चाहे मैं बोलूं दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर छटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। तो पाजी अगर ये पैटर्न, अगर ये गायकी का ये अलग पैटर्न है, तो अगर मैं इस चीज में, मान लो अगर मैं ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गया, तो आप भी मेरे को पकड़ लेंगे और बाकी तमाम जो दर्शक बहुत सियाने हैं वो बोलेंगे कि जी जी। वो एक बहुत रियाज किए हुए बंदे को भी वो गलत साबित कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, और बहुत खूबसूरत ढंग से आपने दोनों, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आया और इट्स वर्किंग फॉर मी भाई। एंड 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 डर के एक गल कहने पाजी कि अभी शुरुआत है करियर की, और बहुत सीखने की इच्छा भी है और बड़ा मजा आ रहा सफर में। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, और ये आपकी अपनी इनसाइट है, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है, जो एक कलाकार का मन है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई कलाकार जब आगे बढ़ रहा है अपनी यात्रा में, तो उसका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है, वो कितना सीख रहा है, कितना उससे क्वेश्चन कर रहा है, कितना उसमें इनोवेशन कर रहा है, वो बात ही आपको एक अलहदा, एक बड़े कलाकार के रूप में खड़ा करती है।
आप सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं, पंजाबी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे अपने गानों में खुद आप फीचर होते हैं और वो बहुत हिट होते हैं, उनको बड़े लाइक्स मिलते हैं, यूट्यूब पर उनके हजारों व्यूअर्स पड़े हुए हैं, उस एक्सपीरियंस को कैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं एक गायक के बतौर और एक एक्टर के बतौर? कौन सी दुनिया, कौन से लिबास में रहना ज्यादा मजेदार है, और असली असली जशन सिंह कहाँ हम ढूंढ सकते हैं? सर मैं ये समझता हूँ पाजी कि मैं अपने आप को एक एंटरटेनर कहता हूँ। एक एंटरटेनर की जो जिम्मेवारी है वो संगीत से लेके, सबसे पहले मैं सिंगर हूँ, सबसे पहले मैं सिंगर हूँ, क्योंकि वो चीज़ एक गुड़ती में, एक जीन्स में मिली फादर मदर की वजह से, जो एक घर में चीज़ रेडी मिली मेरे को, बाकी आपके प्यार की वजह से, आपकी हल्लाशेरी की वजह से, आप हल्लाशेरी देते रहते हैं यतिन भाई, तो उससे एक हौसला मिलता है कि फिल्म में भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक वीडियोस की, म्यूजिक वीडियोस की वजह से मुझे एक फिल्म मिली, तकरीबन 1.5-2 साल पहले वो फिल्म आई थी, और वो फिल्म का नाम था दुश्मन। इट वाज प्रेजेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब एंड विशेष फिल्म्स, एंड बाजी बहुत मजा आया काम करके, एक तैयार टीम के साथ जब आप काम करते हो। और उन दिनों में मैं ये सोच रहा था, समझ रहा था कि अच्छा अब क्या कहते हैं, अब मुझे एक्टिंग सीख, मेरे मदर कह रहे थे कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए, आप अनुपम खेर जी का स्कूल ज्वाइन करिए, आप इसका स्कूल ज्वाइन, पेरेंट्स टू पुश यू टू वर्क हार्ड एंड। तो पाजी मैं बॉम्बे चला गया, तो वहाँ जाके मैंने स्कूल देखने शुरू करिए। तो उन दिनों में मेरा एक गाना आया था, गिल्ली कुर्ती पे सिले सिले बाल, नहीं टी सीरीज का गाना था, वो गाना चला नहीं। तो मेरे को एक संडे का दिन था, तो संडे के दिन वाले दिन मेरे को एक कॉल आती है, पीटीसी पंजाबी चैनल के जो एडिटर हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ी फिल्म है, आपको भी प्रोड्यूसर का फोन आएगा। तो मैंने बोला यार ठीक है, मैं क्या, वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी मजाक करने की बड़ी आदत है ना, बात बात पे मजाक। तो मैंने बोला यार संडे का दिन है, क्यों संडे खराब कर रहा है मेरा, बाद में बात करियो। तो तकरीबन 3 बजे थे दोपहर के, तो एकदम से मेरे को फोन आता है कि नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ, और आपको ये आपका रोल हो गया, ये आपका रोल, आप ही काम करोगे, और ये फिल्म का नाम दुश्मन है, और इसको महेश भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, महेश भट्ट साहब याद कर रहे हैं आपको, आप 4 बजे इधर JW मैरियट होटल पहुंचिए चंडीगढ़। उपाधि आप सोचो, महेश भट्ट साहब याद कर रहे हैं, कोई कौन मानेगा इसको, है ना। मैं बैठा था और बात करते करते मैंने ना फोन काट ही दिया उसका, मैंने बोला आप ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, वो भी संडे को ना। तो दोबारा कॉल आ गई, कहते पाजी आप इस बात को लाइटली मत लें, ये बहुत सीरियस बात है, आप प्लीज आप 4 बजे आओ तो सही एक बारी। तो मैं कह चलो ठीक है, वैसे भी फ्री बैठे थे, चलो चलते हैं। तो मैं वहां गया, और शगुफ्ता रफीक जी हैं हमारे, जिन्होंने आशिकी 2 लिखी फिल्म, जिन्होंने मर्डर लिखी, जिन्होंने आवारापन लिखी, ऐसी फिल्म्स लिखी हैं, मर्डर 3 भी उनकी, 2 भी इनकी थी लिखी हुई। तो वो सामने मिले मेरे को, कहते आओ फिर चलते हैं रूम में चलते हैं, नमस्कार मैं शगुफ्ता रफीक। तो मैंने थोड़ा साइड होके मैंने गूगल करा कौन है, तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स देख के मैं तो आई वाज लाइक आपके सामने बैठना ही मेरे लिए बहुत एक मान सम्मान वाली बात है, एक ऑनर वाली बात है। आप इतने तैयार राइटर हो, इतनी बड़ी, हाल ही में आपने फिल्म आशिकी 2 जैसी फिल्म, आपने इतनी हिट फिल्म दी। तो कहते आओ फिर रूम में चलते हैं भट्ट साहब। मैं फिर नहीं पाजी विश्वास कर रहा है ना। तो भट्ट साहब अपने रूम में एग्रीमेंट मेरा रेडी लेके बैठे थे, और भट्ट साहब कहते ये लो जशन जी आपका पहला एग्रीमेंट साइन करो, आपको हीरो ले लिया फिल्म में। तो ऐसे वो हफ्ते के बाद शूटिंग शुरू हुई, एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारी फिल्म अब नेटफ्लिक्स पे है और अमेजोन पे है, तमाम दुनिया उसको देख सकती है। मैं जश्न अदब के दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे जा करके जशन सिंह की दुश्मन देखें और उनके पेज से जुड़े जश्न अदब पे आकर कमेंट करें और बताएं कि उनको ये हीरो कैसा लगा और उसका काम कैसा लगा, उसका वो उसकी अपनी एक पूरी जो इथॉस है उस फिल्म में किस तरह से उभर के आई। जशन आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप कोक स्टूडियो में गए और कोक स्टूडियो के लिए आपने शानदार गाने गाए, वो बहुत हिट है, और
अक्सर मैं उसको सुनता रहता हूँ, और क्या उसमें आपका पूरा एक एक पूरा एम्बियंस है कि वो लगता है कि एक बड़ा सिंगर और अपने पूरे टेंट्रम के साथ, पूरे टशन के साथ मौजूद है। आप बहुत अंदर से सादे हो, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोक स्टूडियो का अपीयरेंस, कोक स्टूडियो में जो आपकी प्रेजेंस और गायकी है वो कमाल की है। वो अनुभव आप साझा करें और उसके साथ कोई मजेदार कहानी थोड़ी बताएं। सर पहले मैं उसकी दो लाइनें सुनाऊंगा। कुछ नहीं मंगदा दर तो तेरे सब दी चोली खुशियां पा दे, ना कोई रोवे ना कोई तड़पे सब दे कर तू फेरा पा दे। अल्लाह वे मौला वे पाजी, ये गाना बहुत स्पेशल गाना है मेरे संगीत करियर का, और मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम्स था जरूर, मैं सच बोलूंगा। और मैं अपनी माँ के पीछे पड़ा रहता था कि आप दुआ करो, वो पाठ पूजा करते हैं, कि आप दुआ करो कि मैं इस जन्म में इस करियर में, मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं जिन कलाकारों को मैं देखता था कोक स्टूडियो में गाते हुए, वो ए आर रहमान साहब हैं, वो सोनू निगम जी हैं, वो बहुत ही एक लेवल के सिंगर हैं जो वहाँ जाके गाकर आए हैं, राइट। और मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला अपने मदर को, मैं क्या जी मेरी बारी कब आएगी, तो ऐसे ऐसे से सवाल होते थे पाजी मेरे, मेरी बारी आ जाएगी, और वो कहते थे कि अरे तू गा लेगा, अरे कुछ नहीं होता, अरे हो जाएगा, अरे ऐसे ऐसे उनके सवाल थे, है ना, उनके ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलते थे। तो करते कराते पाजी वो ऐसा हुआ कि मैं, मेरा गाना आया एक, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, साई। हाँ, आया टी सीरीज से, बहुत मशहूर है, मैं उस सवाल पर आता, अच्छा कि आपने उसके तू दुनिया दे रंग विच रंग के की लेना, तू मेरे साईयां दे रंग विच वेख रंग के, चोली भर दू मुरादां नाल तेरी, तू सच्चे दिलों देख मंग के, तू सच्चे दिलों देख मंग के, मेरे साई ने मौजा ला दितियां, मेरे साई ने मौजा ला दितियां, बड़ी कृपा की थी साई मेरे, बड़ी कृपा की थी साई मेरे, जोरी जासी उपगा दितियां, मेरे साई ने, मेरे साई ने मौजा ला दितियां। बड़े चिरदा सी मैं तंग जिया, जिवें कट्टी होई पतंग जिया, बड़े चिरदा सी मैं तंग जिया, जिवें कट्टी होई पतंग जिया, बा फड ली जद दी साई मेरे, बा फड ली जद दी साई मेरे, मार तुड़का गुड्डियां चढ़ा दितियां, मेरे साई ने, मेरे साई ने, मेरे साई ने मौजा ला दितियां। पाजी ये गाना आया और साईं बाबा मुराद शाह, साढ़े साईं की कृपा, साईं लाडी शाह जी की कृपा हुई। तो पाजी बॉम्बे था मैं, और करते कराते जी बातें शुरू होगी वहां पर कि ऐसे करके, तो मैंज म्यूजिक जो है, मैंज पाजी हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड फिल्म्स के, वो मेरे को एक साल के पहले मिले थे जब ये गाना मेरा तैयार हो रहा था। तो मैंने उनको वैसे ही सुनाया, मैं कहा पाजी ये गाना करा है, आप सुनो, बॉम्बे मैरिट की बात है ये। उनको गाना बहुत पसंद आया, कहता यार तू गाना मेरे को दे दे। मैंने कहा पाजी ये गाना भूषण जी के पास जा चुका है, टी सीरीज का ये गाना ना अभी साइन हो चुका है, तो कहते यार कुछ करेंगे। तो उन दिनों में वो अक्षय पाजी के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ मिलके काफी गाने कर रहे थे, सिंग इज किंग के, सिंग इज ब्लिंक के। तो मुझे लगा कि ठीक है, इनके साथ अगर काम करना होगा तो एक, वो कहते हैं ना कि फिल्मी म्यूजिक के साथ ही जुड़े हुए हैं वो, तो फिल्म में मेरे को प्लेबैक का
मिल जाएगा मौका। लेकिन सबसे बड़ा मैं फैन था कोक स्टूडियो का। तो ऐसी एक साल गुजर गया, हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ भाई। तो करते कराते चीजें हुई और मैं ऐसे ही खड़ा था, जुहू की बात है, और एकदम से पाजी की कॉल आती है एक साल के बाद, आप जल्दी कहाँ हैं आप? मैं कहा जी मैं बॉम्बे में। वेरी गुड, हम ना हम बैंड्रा से चल पड़े हैं, आप अंधेरी मिलो फटाफट। तो मैं अभी उनके पास पहुंच रहा हूँ, तो रफ्तार को मैं कभी मिला नहीं था, रफ्तार जी को जो रैपर हैं, तो रफ्तार उनके मैनेजर और मैच पाजी किसी से बात कर रहे हैं, बड़ी सीरियस बात हो रही है। तो मैं जाके वहां बैठा, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आप ये गाना गा नहीं सकेंगे, आप कहीं स्टक हो गए हैं, ऐसी बातें चल रही थी वहां पर। मैंने बोला ये कौन है? एंड सडनली आई गॉट टू नो कि ये गाना पहले राहत फतेह अली खान साहब गा रहे थे, जो मेरे वाला गाना है अल्लाह वे जी। हेलो जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, तो जो मेरे वाला गाना है पाजी, वो राहत फतेह अली खान साहब गा रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये गाना मैं आ नहीं सकूंगा, मैं गा नहीं सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो जैसे ही फोन रखा तो वो कहते कि जशन भाई आप हमारे लिए ये गाना कर दीजिए, ये गाना आप करोगे। कौन सा गाना है, कैसे है? तो एकदम से कहते कि ये गाने का नाम अल्लाह वे है और ये कोक स्टूडियो एमटीवी के लिए हम गाना करने जा रहे हैं। सो दिस इज एंड देन आई कुडंट बिलीव दैट, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आया। तो पाजी ओवरनाइट गाना वो हमने शूट करा और विद इन 3-4 days वो गाना ऑन एयर था एमटीवी पे। आप इतने सुंदर ढंग से अपनी यात्रा बता रहे हैं और इस तरह से आपकी खुशियां, आपके शौक, आपकी चीजें आपको मिलती गई। प्लेबैक सिंगिंग के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने ट्राई नहीं किया? आप जरूर इंतजार कर रहे होंगे, आपका मन होगा कि किसी स्पेसिफिक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करें और कि और अच्छे गाने गाएं। भाई भाई आपकी वॉल्यूम चले गई, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, आपकी आवाज कटनी शुरू होगी भाई। मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपका, आपका वीडियो भी काफी वो है। अभी अभी आवाज आ रही है जशन पाजी? आपकी आ रही है भाई, यतिन भाई की थोड़ी आवाज चले। मेरी आवाज आ रही है? मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा अभी ठीक है भाई? आपकी ठीक है, यतिन भाई का वीडियो भी थोड़ा पॉज हो गया। वसीम आप चेक कर सकते हैं क्या? यहाँ यतीन भाई ठीक आ रहे हैं, मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, मुझे ठीक नजर आ रहे हैं। मेरी कैसी आ रही है आपको? नहीं नहीं पहले भी ठीक थी यतीन भाई, आप रखें, आप ये लगाएं। अच्छा ये लगा दो। जशन भाई आ रही है आवाज? आ रही है आपकी? आ रही है भाई, यतीन भाई का वीडियो काफी पॉज हो रहा है। ठीक है आपको? नहीं आप क्लैरिटी आ रही है लोगों को? आ रही है मुझे? अच्छा, तो आ रही है, आप दोनों की आ रही है? भाई की आवाज, भाई की आवाज नहीं आ रही थी मेरे को, जो सवाल पूछ रहे थे। अभी आवाज आ रही है आपको? अभी काफी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा कि आपने कभी प्लेबैक सिंगिंग के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई नहीं किया? किनके साथ गाना चाहेंगे, वो कैसे गाने होंगे, आपके सपने क्या है उसको लेकर? मैंने भाई एक हिंदी गाना करा था पीछे तुलसी जी के साथ, वो लेकिन वो सिंगल ट्रैक था, एक याद पुरानी है तेरी मेरी कहानी है, बारिश ना समझी तू अखियां दा पानी है, भूषण जी ने वो गाना प्रोड्यूस करा था। लेकिन बहुत जल्दी भाई आपकी दुआ रही और आपकी दुआ से प्लेबैक इज द नेक्स्ट गोल, जिसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं, एंड वी वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन दैट। पाजी मैं चाहूंगा कि याद पुरानी है कि कुछ लाइनें आप गुनगुना दें। जी जरूर भाई। इश्क दी लकीर का किस्सा है राज हीर का, बिछोड़े ने उड़ा दिया ये पन्ना तकदीर का, इश्क दी लकीर का किस्सा है राज हीर का, बिछोड़े ने उड़ा दिया ये पन्ना तकदीर का, आज भी उस दीवाने की
एक दीवानी है, एक याद पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है। बारिश ना समझी तू, अखियां दा पानी है। बहुत ही खूबसूरत जशन भाई, ये बताइए लाइट म्यूजिक में, और आप वहां पर हैं, पंजाब में हैं, मोहाली में हैं, आपने बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह को गाया होगा, सुना होगा कभी उर्दू के पोएट्स को, आपकी जमीन की बात कर रहा हूँ, कभी उर्दू के पोएट्स को, कभी दाग को, मीर को, गालिब को, इनको गाने का मन हुआ कभी, कुछ शेरों के साथ कुछ आपने इनोवेशन किया, कुछ प्ले किया? आपका सवाल पाजी लास्ट में कट गया, आपकी आवाज कट गई। आप, मैंने कहा कि आपने पंजाबी का बहुत पढ़ा और गाया है, और आप लोगों की वो रग में है, आपकी वो खून में मिला हुआ है, मिट्टी में मिला हुआ है, जिसमें बाबा बुल्ले शाह और शेख फरीद और तमाम सारे लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी उर्दू के शायरों को लेकर के, कभी किसी शायर को लेकर के कुछ गाने का मन हुआ, या उनकी गजलों को, उनके मिसरों को, उनके कुछ शेरों को, कभी कुछ आपने अपने गिटार पे, अपने कभी हारमोनियम पे? मुझे आज मेरे पहले उर्दू के शेर भाई मिल गए, ये सामने बैठे हैं। ये पहले भाई साहब हैं जो मुझे, जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो पहले तो मैं इनको जानना पसंद करूंगा। आई वुड वांट टू नो हिम, बट भाई आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर एंड आई वुड वांट टू नो डीपली फर्स्ट पंजाबी एंड हिंदी एंड देन जंप टू डेफिनेटली जंप टू उर्दू। बट ये देखो, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके जरिए मुझे भाई मिले हैं जो उर्दू शायर हैं, तो पहले मैं अब इनसे दोस्ती करके इनको पढ़ूंगा और इनके थ्रू में उर्दू सुनूंगा। ये अपने आप ही आपने रास्ता दे दिया मेरे को। ये अगर रंजीत सिंह, अगर आप रंजीत सिंह की गजलें गाएंगे तो रॉयल्टी थोड़ी सी मुझसे भी बटनी चाहिए। जरूर। लेकिन भाई गजलें सुनना अच्छा लगता है, गुलाम अली खान साहब, जगजीत सिंह जी और शौकत अली खान साहब, तो काफी अच्छे अच्छे मजे हुए कलाकार हैं वो, और सुनने में भी ऐसे होता है, लेकिन ऐसा होता है कि उनसे उनका अगर हम एक सरगम भी पकड़ लें तो उनमें से भी इतने तैयार है, उनकी इतनी तैयारी है उसमें भी पाजी सुन के बड़ा मजा आता है और सुनना पसंद करते हैं फिलहाल। और लेकिन डाउन द लाइन, डीप डाउन द लाइन सीखने की भी इच्छा रहेगी, और मौका मिला तो कुछ रिकॉर्ड करके दर्शकों को भी पेश करेंगे पाजी। नहीं, बहुत बढ़िया। कौन सा ऐसा लीजेंडरी सिंगर है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक में हो या गजलों में हो, जिसको आपने टेक्स्ट बुक की तरह बांचा हुआ है, जिसको आपको लगा कि इसकी एक एक चीज की, इसकी एक एक हरकत को सीखना चाहिए, समझना पढ़ना चाहिए? पाजी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड दिस आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम्स सो फार। आई वुड वांट टू से वन थिंग पाजी, कि मुझे सब में ही खूबियां दिखती हैं पाजी। मतलब मैंने अभी तक, मैं एक बंदे से खुश ही नहीं हुआ अभी तक। मतलब ऐसा होता था कि मैं सभी से खुश हूँ, ठीक है जी। और मुझे एक टाइम के ऊपर सुखविंदर पाजी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, आज भी अच्छी लगती है, ही इज एवरग्रीन। सोनू निगम पाजी आए, फिर उनसे सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न कि एज अ सिंगर, एज अ कलाकार मैं कैसे ग्रो हो सकता हूँ या मैं कैसे और सीख सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई अभी तक पर्टिकुलर आर्टिस्ट नहीं है कि जिनको मैं बोलूंगा कि ये बंदा कमाल है, सारे कमाल है, पहले सारे अपनी अपनी जगह पे राजा बन के बैठे हैं और भगवान उनको और बख्शे, उनको और उनकी जो कला है उसको मजबूत रखे, कायम रखे। लेकिन सुखविंदर पाजी का एक गाना है जो मैं बहुत सुनता हूँ, आज तक सुनता हूँ, तब से लेके, तो उनका वो पहला गाना था नशा ही नशा है, वो गाना मुझे, मेरा बहुत मनपसंदी गाना है। एक वो गाना ऐसा है कि जो मैं आज तक सुन रहा हूँ, मैं सुनता ही रहूंगा। क्या बात। तमाम सारे लोग जो म्यूजिक सीखते हैं या म्यूजिक का शौक रखते हैं, अगर प्रोफेशनल सिंगर नहीं भी हैं, तो अपने फेवरेट म्यूजिक मतलब सिंगर्स को कॉपी करते हैं, उनका वर्जन सॉन्ग गाते हैं, अपने घर में गुनगुनाते हैं, बाथरूम सिंगिंग करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप मुकेश जी, रफी साहब, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किसका गाना गाना चाहेंगे, या कौन सा गाना आप गुनगुनाते रहे हैं जो हमसे शेयर करना चाहेंगे?
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ऐसा गाना, ये गाना मैं काफी गुनगुनाता रहता हूँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात। मैं फिर कहता हूँ पाजी कि इनको अटेम्प्ट करना भी ऐसा है कि इनको सुनी लो ना आप, इनको आप, मैं कहता हूँ एक एक बार दिन में इनको, किशोर जी को या रफी साहब को एक एक दिन आप एक बारी सुन लो ना, आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी इनको अडेप्ट करते हो। ठीक है, ये एक ऐसी कंपोजिशन है जो मैं ड्राइव करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, कुछ भी है, ये कंपोजिशन गूंजती रहती है भाजी। बिल्कुल ठीक। और ये एक असली जी, हाँ कुछ कह रहे थे आप जी। ये मेरी लव स्टोरी के साथ भी ये चीज जुड़ी हुई है कि, तो मैं यही गाना इस वक्त मैं आप दो, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन आप पेश करी। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक सिंगर हैं तो आप एक कंजूसी कर रहे हैं अपने फियांसे के साथ, खुद का गाना कंपोज किया, आपको उनको डेडिकेट करना चाहिए, ना कि किशोर दा का गाना। तो पाजी जो गाने में वो मेरे साथ आ रहे हैं, मैं आपको वो गाना सुनाना चाहूंगा जिसमें वो खुद वो एनजीओ भी चलाते हैं, फिक्रमंद किसान वेलफेयर, रिदम सिंह रंधावा, और उसके वो डायरेक्टर हैं, नाम आल्सो पार्ट ऑफ इट प्राउडली सेइंग, एंड उसमें वो डेब्यू करने जा रहे हैं, और वो जो गाना है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि वो खुद है उस गाने के अंदर। क्या तड़के सपना आया खबर सवली है, तड़के सपना आया खबर सवली है, साढ़े वालू साइया मेरे कली है, सौ वारी जे नहीं ता केरा होन गिया, साढ़े ते भी लगता है मेरा होन गिया, हो सिद्धियां हुण तिन तो तेरा होन गिया, साढ़े ते भी लगता है मेरा होन गिया, दविंद रखने ओ चल को दरियो ना है, साइया सदका साइया दा कहो ना है, खैरा मंगी सब दिया खैरा होन गिया, साढ़े ते भी लगता है मेरा होन गिया, हो सदिया हुण तिन तो तेरा होन गिया, साढ़े ते भी लगता है मेरा होन गिया। जी बहुत ही सुंदर जशन। पंजाब की लोक भूमि से उसका जो फोकलोर है और जो उसका एक फोक एलिमेंट है, उसमें दो चीजें बहुत गाई गई हैं और बहुत कमाल की लोगों ने गाई हैं। एक हीर गाई जाती है, दूसरी जुगनी। आपने कभी जुगनी ट्राई किया, कभी हीर गाया? अगर गाया होता हमें सुना दे। मैं आपको हीर सुनाता हूँ पाजी, क्योंकि जब तक हीर नहीं मिली तब तक गाने का मौका नहीं मिला, अब हीर मिल गई तो आपको मैं हीर भी सुनाऊंगा। ऊंचा सुनना पसंद करेंगे कि मीठा मीठा गाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऊंचा गाइए, ऊंचा गाइए, ऊंचा बाजी जी, माइक ही ना फट जाए बाजी। हीरे आख दी वे जोगिया झूठ बोले, वे कौन रुठड़े यार मनाउदाई, ऐसा कोई ना मिले यार वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान मोड़ लियाउंदाई, साडे चमदियां जुतियां करे कोई, जेड़ा जीवदा रोग
गवान दाई भला दस खाचरे चुने कदो रब सच्चा कर ले आमदाई एक जट दे खेत नू अग लगी वेखयान के कदों बुझान गाई एक बाज तो कौने गूंज कोई वेखा चुप है के गुरलांगदा देवा चूड़िया क्यों दे बाल दीवे वारिस शाजे सुना मैं आमदाई वारिस शाजे सुना मैं आमदाई। बहुत ही खूबसूरत वारिस शाह साहब आ गए और आपने क्या हीर को एक बहुत ही खूबसूरत बहुत बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। एक दो छोटे छोटे सवाल उसके बाद मुझे लगता है कि पब्लिक फोरम पे लोग होंगे और एक अलग सी चीज आपसे अंत में सुनूंगा। जब आपकी अपनी एक आवाज है या अपनी तैयारी है अपने अपने रियाज और अपने हुनर से एक चीज पता लगती है कि हम क्या करना है। मैं ये भाई आपकी आवाज फिर कट रही है भाई। अभी आवाज सही हुई जितिन भाई हमें मुझे क्लियर आ रही है बिल्कुल क्लैरिटी है हमें आप तस्वीर भी जशन भाई आप एक सेकंड जशन एक सेकंड अभी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर लेकिन कट जाती बीच में। मुझे लगता है कि आपके यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। नहीं बीच में बहुत अच्छी आ रही थी आपको आपको आ रही मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है और बीच में जो है मुझे तो बिल्कुल बराबर से सही आ रही है। मुझे आप दोनों की बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है तो ऐसा कहीं मसला नहीं होना चाहिए। अभी आप सुन पा रहे हैं जशन? अब ठीक है थोड़ी ठीक हो रही है भाई। अच्छा मैं एक बार फिर लगा के देखता हूँ शायद इससे ठीक हो क्योंकि मेरा बिल्कुल नेटवर्क ठीक आ रहा है और आप लोग दोनों मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रहे हो। मुझे भी जशन थोड़ा सा हाँ जशन अभी ठीक है अब बेटर है भाजी। मैं कह रहा हूं कि आपकी जो आवाज है जो वॉइस कल्चर है उसको लेकर के जब मल्टी ट्रैक उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सी चीज का ध्यान रखते हैं कि बेस बढ़ाना है साउंड में कुछ लर्जिश करनी है क्या चीज ऐसा करते हैं जो आपकी आवाज माइक्रोफोन से निकल करके एक बहुत ही स्मूथ रन करती है। तो हर आदमी आजकल टेक्निकल सैवी है वो कौन सी चीज है जो आप घटाते हैं कौन सी चीज बढ़ाते हैं टेक्निक के साथ कैसे खेलते हैं? भाई मैं जितना नेचुरल हो सकता है उतना नेचुरल रखता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जब रियाज करते हो जो तो आप सबसे पहले तो आप अपनी आवाज को अपने अंदाज को अपनी डबिंग को जितना नेचुरल रहने देंगे उतना ही सुनने वालों को मजा आएगा। और बात जब टेक्निकल पे आ जाती है तो वो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में बैलेंसिंग में जो गाने के लिए अच्छा होता है जो गाने के नेचर के लिए अच्छा होता है मैं समझता हूँ वही सही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर गाना मांगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ा म्यूज़िक बेस बेटर हो गाने की अगर नेचर है तो पाजी फिर वैसे होता है। अगर गाना मांगता है कि हमें आवाज ज्यादा सुनानी है और म्यूजिक माइल्ड रखना है तो वहां आवाज का रोल होता है पाजी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगेन अभी तक जितना मैं काम कर पाया हूँ वो एक हिंदी नेचर का भी काम है सूफी भी है पॉप भी है आप कहें कि अगर आप थोड़ा सा
रॉक में चले जाएं तो वो भी गाना करा है, हील शील गाना था वो भी कर पाया हूँ। तो पाजी वो डिफरेंट डिफरेंट डबिंग्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गाने की नेचर जब म्यूजिक कंपोज होता है बनता है तब वो गाना खुद ही बता देता है कि इसमें आपकी किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर आप क्लब को फोकस कर रहे हो कि क्लब में जाए, फिर आप डेफिनेटली आप फोकस करते हो कि हम इसमें थोड़ा बेस और इसका जो ग्रूव है उस पर ज्यादा ध्यान दें, राइट, जो आप आजकल बोलते हो कि ट्रेंडिंग है। और अगर आप कहते हो कि अगर ये जैसे आप सूफी पसंद करते हो तो आप पसंद करते हो कि म्यूजिक से ज्यादा क्लासिकल और एक आवाज की जो खनक है उसको आप ज्यादा सुनना पसंद करोगे, तो आप फिर आप कहते हो कि हमें जो एक सूफिज्म। तो मैं समझता हूँ हर एक जॉनर का अपना एक रंग है पाजी, जिसमें आपका वॉइस का टेक्सचर बढ़ाया जाता है घटाया जाता है। बहुत बढ़िया। फिल्मों की म्यूजिक की तरह क्या पॉप करते हुए, इंडी पॉप करते हुए क्या ड्रमी ट्रैक भी करते हैं आप लोग, कि म्यूजिक तैयार कर लिया स्लैंग वर्ड्स के साथ कर लिया फिर बाद में ड्रमी को उसे चेंज किया अपना ओरिजिनल गाना गा करके? पाजी काम अगेन जी, डमी ट्रैक की सिनेमा की तरह क्या डमी ट्रैक यूज करते हैं आप लोग, कि म्यूजिक तैयार हो गया और हमने स्लैंग वर्ड्स के साथ म्यूजिक बना लिया, बाद में ओरिजिनल गाना आया और म्यूजिक से फिर वॉइस रिप्लेस हुई वहां पर जाकर, जैसे फिल्मों में गाते हैं? पाजी वो अगेन वो डिपेंड करता है पाजी, वो गाने पे डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि अगेन पाजी वो सिचुएशन के ऊपर गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है ना। ऐसा कभी भी एक कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है कि ऐसा ही होगा। फिल्म्स का डेफिनेटली एक नेचर, एक आप कह लें बहुत चीज़ें एक सेट पैटर्न पे चलती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स रिक्वायर्ड व्हेन। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल में जब आप गाना बनाते हो, सोलो गाना बनाते हो या फिल्म का गाना बनाते हो, जब गाना वो डिजाइन हो रहा होता है, बन रहा होता है ना, तब पाजी बहुत डिपेंड करता है आपकी गेम के ऊपर, आप क्या पेश करने जा रहे हो और आपका जो एक्चुअल नेचर है म्यूजिक का वो आपको खुद बता देता है पाजी। क्या बात, बहुत ही सुंदर। मैं रंजीत भाई से पूछना चाहूंगा कि कुछ सवाल आए हैं क्या? नहीं, बस लोग अब एंजॉय कर रहे हैं वो अभी तक तो। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ, कई लोग देख रहे हैं तो वो सिर्फ आवाज के ही दीवाने हैं सभी, सब आवाज के आवाज से मेस्मराइज हो रहे हैं। जशन ये बताइए कि किस मतलब किस फिल्मी लिरिसिस्ट को पुराने गानों में भी अगर उठा के हम देख लें और हम बिल्कुल दूर चले जाएं बहजाद लखनवी और मजरूह सुल्तानपुरी और शकील बदायूनी के दौर में और बिल्कुल बाद में बाहर निकल के आए गुलजार साहब, जावेद अख्तर, शैलेंद्र और बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास हैं आपके इरशाद कामिल जैसे लोग हैं, हमारे पास स्वानंद किरकिरे हैं, प्रसून जोशी हैं, किसको गाना चाहेंगे, किसकी कौन सी गीत गाना चाहेंगे, कौन सा है जो आपको लगता है कि आपको अपने ढंग से गाना चाहिए? पाजी मैं सभी की बहुत गुलजार साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ही, उनसे मुलाकात भी हुई आपके जरिए। नहीं पाजी अब ये बहुत गुस्ताखी हो जाएगी। मैं अभी मैं कहता हूँ कि वो इतने बड़े हैं, इतने वो सीनियर हैं कि उन्होंने जो लिखा मुझे लगता नहीं है कि उसके नजदीक भी अभी तक कोई पहुंच पाया है पाजी। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ लोग कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका जिक्र भी अगर हो जाए तब भी आप कहते हैं कि यार हाथ पैर कांपने शुरू कर दिए। वो एक रिस्पेक्ट है वेरी व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर क्लोज टू व्हाट ही हैज डन इन हिज लाइफ, फिर आप उसको अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। तो मैं तो असी तो हम कहते हैं ना, हम तो उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। और गुलजार साहब से जब मैं मिला था, आपके साथ ही मिला था, एंड उनका जो ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई वाज देयर एट द शो वेयर यू होस्टेड विद हिम, एंड तो बस उनके जो लव्स हैं इट हैज वो अलग ही दुनिया है। मुझे पता है वो चांद के साथ काफी ताल्लुकात रखते हैं
जब आपने उनसे सवाल करा था, तो गुलजार साहब इज वन पर्सनैलिटी द होल नेशन लुक्स अप टू, लेकिन कुमार पाजी के गाने जो हैं, कुमार पाजी के गाने जो जिनके गाने मुझे गाने का मौका भी मिला, अमिताभ भट्टाचार्य भाई हैं जिनको जिनको मैं काफ़ी सुनता हूँ, और उनका जो कबीरा गाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है जो पाजी ने लिखा था। और विद ड्यू रिस्पेक्ट पाजी, अगेन आई एम सेइंग, जैसे आपने सिंगर पूछा था मुझे कि यार कैसा कौन सा सिंगर है, तो जावेद अख्तर साहब की एक अलग नेचर है, गुलजार साहब की एक अलग नेचर है। तो जो मुझे मौका मिला ऑलरेडी, तो वो बॉलीवुड से कुमार पाजी के गाने गाने का मुझे मौका मिला, और आई हैव एंजॉयड इट सिंगिंग टू हिज सॉन्ग्स, एंड आई थिंक द नेक्स्ट लिरिसिस्ट हु आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एज अ सिंगर इज भट्टाचार्य साहब। यतीन्द्र भाई, हेलो जी जी, जशन पाजी वो लगता है बिल्कुल फ्रीज सी हो गई है उनकी वीडियो। अच्छा, आपको भी फ्रीज हो गई है? आप मुझे भी फ्रीज हो गई। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बहरहाल चलो, मुझे मुझे तो अपने ऊपर शक हो रहा था कि पता नहीं मेरे नेटवर्क खराब है। नहीं नहीं बिल्कुल, अब वो आखिरी सवाल क्या पूछना चाह रहे थे वो तो नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएंगे। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बैकएंड पे उनसे बात कर लूं। आप करें ना। हाँ, मैं उनसे एक बात बैकएंड पे कर लेता हूँ। आ रहे हैं भाजी, तब तक अगर कुछ बुल्ले शाह हीर अगर इसमें कुछ गा दें। अमिताभ भट्टाचार्य जाहिर है इस वक्त के जशन भाजी बहुत ही अच्छे हैं, इरशाद कामिल ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, गुलजार साहब के यहाँ इश्तियारे बहुत हैं। जशन भाजी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अब आ रही है। जी जी जी, बीच में निकल गया था जी, सॉरी। हाँ जी, यतीन भाई वो कह रहे हैं कि अमिताभ भट्टाचार्य के साथ मैंने सुना गया। जी जी, आपने कबीरा की बात की थी, मैं चाहूंगा कि कबीरा दो लाइन गुनगुना दें। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चिन्हे ना छाओ, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसे पैर टिके ना छाओ, वे कबीरा मान जा, वे कबीरा मान जा, आजा तू है निर्मोही है ना, ना 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 ना, वे कबीरा मान जा। तो कंपोजिशंस ओवरऑल बहुत कमाल उन्होंने काम करा है भट्टाचार्य साहब ने, और उनका ओवरऑल काम बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा फैसिनेटेड होता हूँ बेसिकली कंपोजिशन से, एक ओवरऑल गाने से अगर आप बात करेंगे तो, रादर देन स्पेसिफिकली ऑन वन थिंग, तो एक होल पैकेज करने में पाजी बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर। आप जश्न अदब के मंच पर जो आपके फैंस यहाँ मौजूद हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो म्यूजिक को करियर बनाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? आप अपने जीवन के अनुभव से वो उनको कौन से टिप्स देना चाहेंगे? सर मैं तो अभी खुद टिप्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं यही अपने भाइयों को, अपने साथियों को मैं ये मैसेज जरूर दूंगा कि यू मस्ट ड्रीम वेरी बिग, आप बड़ा ड्रीम देखिए, वो सबसे ज़रूरी है। आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, डरिए मत, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए फौरन, क्योंकि अभी कोरोना आया है, पता नहीं दोबारा कहीं कोरोना ना आ जाए, तो उसके पहले पहले आपको हर मिनट का, हर सेकंड का आपको ध्यान रखते हुए, वैल्यू करते हुए आपको दबा के मेहनत करनी चाहिए, और लाइफ को ग्रांटेड मत लें, इधर एक सेकंड का भरोसा नहीं। अब अभी काफ़ी प्रेडिक्शंस थी 2020 की कि ऐसा होगा वैसा होगा, 2020 खा गया कोरोना, तो वो प्रेडिक्शंस हुई सारी फेल। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्टीमेट पावर जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनसे यही मांगिए कि आप तंदुरुस्त रहें,
आप जितना रियाज कर सकते हैं, जितना आप तैयार हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। और मैं चाहूँगा कि आप पूजा से, आप पाठ से जुड़े रहिए, आप नशों से दूर रहें, क्योंकि बहुत ये एक दौर चला हुआ है कि लोग अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब करते हैं नेगेटिव चीज़ों के साथ जुड़कर। तो पाजी, नशों से जितना दूर हो सकें और अपने गोल के साथ आप फोकस्ड रहें, और सुबह शाम सुर की साधना ज़रूर करनी चाहिए, और अच्छे म्यूज़िक को सुने, क्लीन म्यूज़िक को सुने। एनी सॉन्ग्स विच प्रमोट्स डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन, और एनी इफ इट्स प्रमोटिंग एनीथिंग नेगेटिव, यू मस्ट नॉट फॉलो दैट, यू मस्ट नॉट सपोर्ट दैट, क्योंकि दैट डेफिनेटली कनेक्ट्स टू द चिल्ड्रन, एंड जो तमाम यूथ है और वो यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, एंड उसका सबसे बड़ा असर उसी इंसान पे होता है जो वो खाना प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, एंड शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट। एंड पाजी, यही है कि अवॉइड शॉर्टकट्स, एंड आपके साथ उनको जुड़ना चाहिए। आप इतना अच्छा प्रमोट करते हो सबको, और इंक्लूडिंग मी, मुझे प्रमोट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं रंजीत सिंह, मुझे रंजीत प्रमोट करने के लिए बैठे हुए। क्या बात कर रहे हैं। हम लोगों ने एक तय कर रखा है कि जब तक एक दूसरे से बोर नहीं हो जाएंगे तब तक ये उम्मीद की किरण चलती रहेगी, उम्मीद चलती रहेगी, कायम है वाली बात है। आपने बहुत सुंदर बोला जशन भाई, और हमारा समय पूरा हो रहा है, हम विदा लेने से पहले, पंजाब में आपने शुरुआत किया गुरुबानी से, फिर हम हीर पर आए, मैं जाते जाते गुस्ताखी की माफी चाहूंगा, आपने ना भी गाया हो तो मैं चाहूंगा कि अपने अपने श्रोताओं को और जश्ने अदब के लोगों को और इस पूरे इंडी पॉप कल्चर से गुजरते हुए आप एक भंगड़ा जरूर सुना दें, भंगड़े के बोल के साथ मैं चाहूंगा। मेरे फादर का गाना बड़ा हिट हुआ था पाजी 1990 में, चंडीगढ़ करियाश की मुंडा जट्टा दा जलंधरों आके, मैं आपको वो सुनाता हूँ। वो गाना बहुत सुपरहिट गाना था, आज भी वो गाना बहुत मकबूल गाना है उनका। कितने मर ना जाए कुछ खा के, कुछ खा के, ओ चंडीगढ़ करे आशकी, ओ चंडीगढ़ करे आशकी, मुंडा जट्टा दा जलंधरों आके, वेच के स्कूटरों ने हीरो होंडा ले लिया, बीए दी पढ़ाई विच तीजी वार रह गया, ओ मापियां दा पुत लाडला, ओ मापियां दा पुत लाडला, हथ रेंदा ना किताबां नूं ओला के, किते मर ना जाई कुछ खा के, ओ कुछ खा के, ओ चंडीगढ़ करे आशकी, ओ चंडीगढ़ करे आशकी, मुंडा जट्टां दा जलंधरों आके। बहुत बहुत धन्यवाद जशन भाई, आपका बहुत एहतराम, बहुत स्वागत, बहुत आभार कि आपने एक बिल्कुल नए फ्लेवर में और बिल्कुल यंग जनरेशन के साथ अपनी बिल्कुल एक जोश और अपनी ताजगी स्फूर्ति के साथ अपनी परंपरा को, अपने इनोवेशन को गाया और हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम जल्दी फिर किसी और शो में आपके साथ या जश्न अदब के किसी इसी सीरीज के दूसरे लाइव में आपको फिर लेकर के आएंगे और आपसे बातें करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज हमारी शाम बेहतर की, और आप जब जाएंगे इसमें से निकल कर आप देखेंगे कि हजारों श्रोता आपको ऑनलाइन सुन रहे थे, और जब ये आप शेयर करेंगे तो विद इन वीक ढेर सारे लोग इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि माय अपोलॉजीज फॉर द नेटवर्क अगर मेरी तरफ से है, और बहुत मजा आया भाई। शायद मैं इस शो के भी लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुला के आपने बहुत मान सम्मान दिया, और नवाजी है, आप ऐसा नहीं कर रहे। और मेरे को उर्दू शायर साहब से भी मिलने का मौका मिला, मैं उर्दू पढ़नी शुरू करूंगा, इनसे उर्दू सीखूंगा भी। और अयोध्या में अब मेरा घर है, और जो जिनमें यतिन भाई रेंट पे रह रहे हैं वो एक्चुअली घर मेरा है, मैं बताना चाहता हूँ सबको। ठीक बात है। और हाँ जी, तो पाजी बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, और यहाँ सुनने वाले तमाम दर्शकों का मैं माफी मांग, अगर सुर के मामले में कहीं मेरे से कोई गलती हुई हो और अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना समझ के आप मुझे जरूर माफ करें, और जरूर दोबारा मैं आपके साथ जब मुझे मौका देंगे आप दोबारा, मैं जरूर सेवा में सबके दर्शकों के मैं
हर वक्त हाजिर हूँ और सब सुनते रहिए और कोविड कोरोना की प्रिकॉशंस लीजिए, आप सेफ रहिए सब और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद पाजी। थैंक यू, दोस्तों जशन पाजी बहुत शुक्रिया, रहने वसीम, यतीन भाई बहुत शुक्रिया। यतीन भाई कह रहे थे कि बोर हो रहे जब तक नहीं हो जाएंगे। देखिए जशन पाजी, सुर और सुरीले इंसान से कम तो कौन बोर हो सकता है, और जब इतनी शामें जो है सुरमई होती जाएं तो मतलब ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम एक दूसरे से, यतीन भाई ये सिलसिला चलता रहेगा आपके हवाले से। और यहाँ देखिए जशन भाजी, मैं अकेला नहीं, यहाँ कई शायर शायरात देख रहे हैं आपको, कई लोग सुन रहे हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ शायरात हैं, कुछ बहुत मशहूर हैं, कुछ लोग रेणु नैयर हैं, ज्योति आज़ाद खत्री हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये इस मुल्क की आला तरीन शायरात हैं, बाकी कीर्ति सिंह, बाकी जो लोग देख रहे हैं, हमारे शाहरुख उस्मान दहलवी साहब रेगुलर देखते हैं, अंकित अरोरा साहब, पूजा महर, मैं किसका किसका नाम लूं जिनका नहीं ले पा रहा, मुझे माफ कीजिएगा, जिनके नाम बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, उसमें बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं जो आए हैं, मशाल उठाए हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार जी। मंजरी मिश्रा जी, अंबर जोशी साहब, भरत अग्रवाल साहब, अब मैं सिद्दीकी साहब, अमर माने साहब, बहुत सारे लोग हैं, मैं स्क्रोल करता जा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है। बहरहाल की इस उम्मीद के साथ कि आपने जितना सुरीला गाया और ऐसे ही आपका गला लाखों लोगों के कान और यतीन भाई का ये स्कॉलरली गुफ्तगू, ये सब एक ही जगह पर ऐसे ही हम लोग मिलते रहें जश्न अदब के इस प्लेटफॉर्म पर, इस उम्मीद के साथ कि हम अगले जब हफ्ते मिलेंगे किसी से इस जी जी आ जा तुझको पुकारे तेरी परछाइया वे कबीरा मान जा। जाते जाते आप सबके लिए माशाल्लाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्या खूबसूरत आवाज। यतीन भाई आप सब जब अगले हफ्ते आएंगे तो आप देखेंगे कि जो है किसी एक दूसरे किसी ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ, यानी म्यूजिकल शख्सियत के साथ यतीन भाई गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल भी हम गुफ्तगू करेंगे, एक फरहत शहजाद के साथ बात होगी हमारी। यतीन भाई किसी को भी लेके आ सकते हैं आप नहीं नहीं ये पूरी ये सीरीज का ये जो हिस्सा है उम्मीद की किरण का, ये जो सैटरडे होता है ये यतीन भाई करते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए आता हूँ और शुरू में बस खाली बोल देता हूँ, वो भी कितना कर पाता हूँ, कितना निभा पाता हूँ उसका भी पता नहीं है मुझे, लेकिन बस कोशिश करता हूँ कि उसको ओपन कर दूं और किसी से तारुफ हो जाए, बस इतना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते कि भाई ने मुझे अपने सके भाई से ज्यादा बढ़ के प्रेफरेंस दी और प्यार दिया और मुझे ऐसे लेके आए, और ऐसे एक कलाकार का बहुत मोटिवेशन होता है, एक हौसला अफजाई होती है और उसको और पावर मिलती है कि भाई जैसे आप प्यार करते हैं प्यार ऐसे करना चाहिए बंदे को। तो थैंक यू पाजी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप जशन भाई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये जो सीरीज है इसमें आपसे मुलाकात होती रहेगी, और आप जश्न अदब को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी मुस्कान का बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लड़ते रहिएगा, ऐसे ही जाइए जशन पाजी के और गाने सुनिए, खूब सुनिए यतीन भाई की और गुफ्तगू सुनिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी खूब सुनिए, देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, लोग कितने सुरीले हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमसे ऐसे ही जुड़ते रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश।